हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी इंडिया नंबर वन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी। आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं हूं आपकी एमबी मैम डॉक्टर मीतु भावनानी। पिछले 7 सालों से नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूं और बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं। बहुत अच्छे सेशन चल रहे हैं, हम लोगों ने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मैराथन लिया, देन एनिमल किंगडम लिया, और एनिमल किंगडम बच्चों को बहुत अच्छा लगा। बच्चों मैं इतनी खुश हूं ना कि आपको मेरे सेशन अच्छे लग रहे हैं। मैं दिन ब दिन आपके लिए कुछ नया सोच रही हूँ और रेगुलर लेके आ रही हूँ। बस आपसे ये एक्सपेक्ट है कि जो भी सेशन चल रहा है, जैसे ये सेशन स्टार्ट हुआ है, तो आपको इसको अभी के अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, क्लास में रेगुलर रहना है, जो भी आपको पढ़ना है कॉमेंट बॉक्स में लिख लो, और मैं जो पढ़ा रही हूं उसके एंड तक मेरे साथ बने रहो। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अब अनअकैडमी के साथ कैसे जुड़ोगे? अनअकैडमी आपको बेस्ट दे रहा है, तो अगर आपको उसमें से बेस्ट निकालना है तो सबसे पहले अनअकैडमी के साथ जुड़ना रहेगा। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को स्टूडेंट्स अभी के अभी आप इंस्टॉल करिए। जैसे ही आप उसे इंस्टॉल करेंगे, आप मुझे देख पाएंगे, मेरे कोर्सेज को ले पाएंगे। सब्सक्रिप्शन में आपको अभी समझाती हूँ, वेरी क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस एजुकेटर्स हैं। आपका हक बनता है कि आप उन सबसे स्टडी करें। तो सबसे पहले आपको ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद जैसे आपको मुझसे पढ़ना है तो मैं नीट यूजी के बायोलॉजी के वेरियस टाइप ऑफ कोर्सेस आपको दूंगी, तो आप वहां से ले सकते हैं। मतलब आपको ऐप इंस्टॉल करने के बाद ही सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अब चलो, सब्सक्रिप्शन तो मिलेगा, लेकिन उस सब्सक्रिप्शन को करने के बाद और क्या मिलेगा आपको? मिलेगा डेली लाइव क्लासेस। मैं रेगुलर लाइव आ रही हूं, रेगुलर लाइव आऊंगी और आपके साथ डेली इंटरेक्ट करूंगी। डेली मतलब रेगुलर पढ़ाई, ठीक है? थोड़ी मस्ती भी करेंगे और एंटरटेनमेंट भी करेंगे, लेकिन पढ़ाई भी करेंगे। मतलब सेशन हमारा उम्दा और सुपर डुपर हिट होगा। कोर्सेस में दे ही रही हूं आपको, टेस्ट भी ले रही हूँ, जैसे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैंने पढ़ाया, क्वेश्चंस कराए, एनिमल किंगडम का थ्योरी का मैराथन लिया है, अब कल या परसों में मैं उसका क्वेश्चंस का मैराथन ले लूंगी, फिर एक एक यूनिट का मैराथन ले लेंगे। मतलब वन डे वन चैप्टर कर लेंगे, फिर पूरी यूनिट का मैराथन ले लेंगे, थ्योरी वाइज भी क्वेश्चन वाइज भी। देखो कितनी बार, मेरी पूरी कोशिश है कि नीट पूरी क्या मैं करवा के ही रहूंगी। नीट 26 जुलाई 2020 होने से पहले मैं 2 बार आपका कोर्स रिवाइज करवा दूं हर तरीके से, ठीक है? अब आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है। आप एक सब्सक्रिप्शन लोगे, उसके थ्रू आप रिकॉर्डेड कोर्सेज को भी ले सकते हो और लाइव कोर्सेज को भी, लेकिन आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। और सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन है 1 साल एंड 2 साल का। 1 साल का सब्सक्रिप्शन और 2 साल का सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट बेस्ट है, क्योंकि नीट यूजी की तैयारी इतना ही मांगती है। आपको मेरा प्रोमो कोड रेफरल कोड दैट इज MB10 यूज करना है और आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 1 ईयर एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन आर बेस्ट। आप मेरी बात मानिए, इसको लीजिए, आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ही मिलने वाला है। सो 1 ईयर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन इज बेस्ट। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अभी के अभी इंस्टॉल करिए, मेरा सेशन लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना है नोटिफिकेशन के लिए। 1 ईयर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन बेस्ट है, MB10 कोड यूज करना है फॉर 10% डिस्काउंट। अब आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही अलग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग साइंटिस्ट के नेम डिस्कस करने वाले हैं। देखो बायोलॉजी को हम लोगों ने, ठीक है, बॉटनी जूलॉजी में बांटा है, क्योंकि साइंटिस्ट ने अपनी अपनी इंटरेस्ट दिखाया पढ़ने में, ठीक है हमें, क्योंकि बॉटनी में हम लोग प्लांट्स को कंसिडर करते हैं और जूलॉजी में जू एनिमल्स को कंसिडर करते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, वहां पर हम लोग एनिमल्स को रखते हैं। तो अब पूरी जो बायोलॉजी है उसमें किस तरीके से साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन थे, किसने किस तरीके से खोज की, क्या ईयर था, क्या नाम था, बहुत से लोगों को नोबेल प्राइज मिला, उनकी थ्योरी को बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड किया। तो बच्चों की ये डिमांड थी कि मैम पूरे साइंटिस्ट के नेम पर एक आप सेशन बना लो, ठीक है? तो पूरे जितने भी साइंटिस्ट मेजर हैं हम लोग इकट्ठे कर सकते हैं, और जितना मैं बता रही हूं ना, आप ये मान लो कि पिछले साल से अभी तक पता नहीं कितने क्वेश्चन साइंटिस्ट के हैं, क्योंकि दे आर द साइंटिस्ट, दे आर द रिसर्चर्स, ठीक है? और वही हमें बताते हैं कि क्या बेस्ट है। आज जो हम पढ़ पा रहे हैं वो साइंटिस्ट की वजह से पढ़ रहे हैं। आप में से बहुत बच्चे साइंटिस्ट रिसर्चर्स बनेंगे, सो हैव पैशन। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले
जो साइंटिस्ट हैं वो हैं अर्नस्ट हैकल। देखो अर्नस्ट हैकल के बारे में आप बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन अगर हम लोग बॉटनी और जूलॉजी को बांटें तो ठीक है, वैसे बांटते तो नहीं है, बायोलॉजी तो बायोलॉजी होती है पूरी, लेकिन हम लोग वो ये कह रहे हैं कि अगर पर्टिकुलरली प्लांट्स के रेस्पेक्ट में खोज हुई है या एनिमल्स के रेस्पेक्ट में खोज हुई, इसलिए बॉटनी जूलॉजी का मैंने थोड़ा सा आपको दो तरीके से इसको बांटा है। अब देखो हैकल का कॉन्ट्रीब्यूशन जो हैकल सर है उनका एनिमल किंगडम में भी हुआ था, लेकिन यहां पर जो इकोलॉजी है उसका मीनिंगफुल डेफिनेशन, इकोलॉजी क्या होती है, वो किस तरीके से इकोसिस्टम से एसोसिएटेड है, अर्नस्ट हैकल ने दी थी। उसके बाद ओडर, अब देखो ईयर भी देखो, ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे ईयर, देखो ईयर तो वेरी करेंगे लेकिन आपको ईयर्स भी थोड़े बहुत क्या करने हैं इनको मतलब याद रखना है, क्योंकि एक तो क्या है देखो जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है वो नेम पे पूछा गया है, ठीक है, ईयर पे पूछा गया है एंड वर्क पे पूछा गया है, इसलिए मैंने तीनों को क्या कर लिया है, इन्वॉल्व कर लिया है। चलो अब आगे देखते हैं। ओडर प्रपोज्ड मॉडिफाइड डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी, मतलब अर्नस्ट हैकल ने अपने हिसाब से इकोलॉजी की डेफिनेशन दी, ओडर सर ने कहा देखो यहां पर ईयर बहुत पुराना है, यहां पर थोड़ा आगे है, तो धीरे धीरे साइंटिस्ट आए हैं, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेस हैं, उनके पास ज्यादा डेवलप इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप है, तो धीरे धीरे अगर कोई ओल्ड डेफिनेशन है तो वो डेफिनेटली न्यू डेफिनेशन में क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। सो प्रपोज मॉडिफाइड डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी आफ्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, पहले साइंटिस्ट ने इकोसिस्टम को समझा, उसके बाद बोला कि अरे इकोसिस्टम तो इकोलॉजी का ही पार्ट है, और क्या बोला, एस्टिमेट दैट ऑफ द टोटल वाटर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, मरीन वाटर खारा पानी जिसमें सॉल्ट कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा होता है वो तो 97% है, और जो अच्छा वाला पानी है जो हम यूज कर सकते हैं बाथ लेने के लिए, कुकिंग करने के लिए, वेरिड एक्टिविटीज करने के लिए, मेटाबॉलिज्म करने के लिए, वो सिर्फ 3% है। मतलब कितना जरूरी है पानी को बचाना, आप ओशियन का पानी नहीं पी सकते हो, सी का पानी नहीं पी सकते हो, लेकिन यू आर यूजिंग द रिवर पॉन्ड एंड लेक्स वाटर फिल्टर्ड करके, क्योंकि उनमें जो खारापन है, जो सॉल्ट कंसेंट्रेशन है वो कम है, ठीक है। उसके बाद हेनरी डेविड यूज द टर्म इकोलॉजी, किसी साइंटिस्ट ने बोला टर्म निकालो, किसी ने बोला मैं उसकी डिस्कवरी करता हूं, किसी ने बोला मैं उस पर रिसर्च करता हूं, ठीक है। देन साइंटिस्ट रमाडे, इज इट क्लियर, प्रपोज अ डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स मतलब कैन यूज अगेन एंड अगेन, इज इट क्लियर, डेफिनेटली रिसोर्स भी क्या है, इकोसिस्टम इकोलॉजी का पार्ट है। देन सर आए एपी डीकन डोल, एपी डीकन डोल सर ने एक तो टर्म टेक्सोनॉमी दी, क्या दिया स्टूडेंट्स, टर्म टेक्सोनॉमी, और दूसरी बात कॉन्सेप्ट ऑफ एंडेमिक स्पीशीज के बारे में बताया, एंडेमिक मतलब जो एक दूसरे से रिलेटेड रहती है। देन आते हैं इंग्लर, क्लासिफाइड एंडेमिक्स इनटू पैलियो एंडेमिक्स एंड इंडिजिनस एंडेमिक्स, वी विल डिस्कस इट मोर इन इवोल्यूशन, अभी मैं सिर्फ साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन बता रही हूं। मिस एल्विन प्रिट यूज द टर्म रिमोट सेंसिंग, देखो रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है, ये थोड़े अलग अलग टर्म्स हैं जो कि मैंने, देखो यहां पर मैं एनसीईआरटी भी कवर कर रही हूं एंड एक्स्ट्रा भी, तो मैंने क्या कहा यहां पर मैं एनसीईआरटी भी कवर कर रही हूं प्लस एक्स्ट्रा, तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कंसिडर करके चलना ही पड़ेगा। देन जेनेटिक्स का पूरा खुलासा किसने किया, मेंडल सर ने, टर्म फैक्टर को देकर, एक तरीके से फैक्टर आपके कैरेक्टर को डिपिक्ट करता है और बाद में कैरेक्टर की कोडिंग कौन करता है, जीन करता है, ठीक है। नाउ डी व्रीज डिस्क्राइब द हेरिडिटी यूनिट एज पेंजिन, मतलब डी व्रीज ने क्या है हेरिडिटी यूनिट को पेंजिन कहा, लेकिन फाइनली जब मेंडल सर आए, जब मेंडल सर आए तो मेंडल सर की ही थ्योरी को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया और कहा गया कि इट इज द जीन जो कि एक
जनरेशन से एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसफर होता है और कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करता है। हमारे जो जीन्स है वो हमारे मदर फादर से मिले, तो जीन एक्चुअली एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को सेट करता है, आपके एंसेस्टर्स की नॉलेज देता है। जोहानसन कॉइन द टर्म जीन, जैसे ये क्रोमोजोम है, इन पे जीन रहते हैं, ठीक है, ये जीन है, ये जो जीन की प्रॉपर पोजीशन होती है उसको क्या बोलते हैं, लोकाई लोकस, हम लोग जेनेटिक्स में देखेंगे। देन मॉर्गन, जीन्स आर लोकेटेड इन क्रोमोजोम इन लीनियर फैशन, इनकी थ्योरी पे, इनकी जो रिसर्च पे इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। बीडल एंड टेटम, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, वन जीन वन एंजाइम, पूरा जेनेटिक्स में पढ़ेंगे हम लोग, मैं जल्दी से जेनेटिक्स ही उठा लूंगी इसके बाद अब, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया। गेरोड सर ने तो क्या कहा कि ये एक हाइपोथेसिस है कि एक जीन कहीं ना कहीं एक एंजाइम से कोडेड रहता है, लेकिन बीडल एंड टेटम सर ने इसको प्रूफ किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया और उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। इज इट क्लियर? देन बेंजर, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, दूसरा क्या किया, इंट्रोड्यूस द टर्म सिस्ट्रॉन, इंट्रोड्यूस द टर्म सिस्ट्रॉन। उसके बाद फ्रेडरिक मिशर फर्स्ट डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड मतलब वही डीएनए फ्रॉम यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। हम लोग क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जेनेटिक मटीरियल है, इज इट क्लियर? लेकिन हम लोग अगर वायरस इसको कंसिडर, अब देखो कोरोना वायरस ले लो, उसमें क्यों नहीं हो रहा है, क्यों वो आपके वैक्सीन नहीं निकल रही, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनके पास आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए क्या है, अनस्टेबल होता है, रेगुलर एक न्यू कॉम्पोजिशन बन रहा है, तो उसको मारने के लिए प्रॉपर एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इसलिए हमारी बॉडी में डीएनए है, और हमारी बॉडी में जो डीएनए है वो आरएनए से ही इवॉल्व है। मिशर टर्म न्यूक्लिन, ऑल्टमैन इंट्रोड्यूस द नेम न्यूक्लिक एसिड फॉर न्यूक्लिन, मतलब पहले साइंटिस्ट है मिशर, उन्होंने कहा कि जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिन होता है, फिर और दूसरे साइंटिस्ट है एल्टमैन, उन्होंने बोला नहीं न्यूक्लिन नहीं है, हम इसे न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। उसके बाद फुगलगन, अब इनके जो एफ पर है वो फुशिन लिया है, फुशिन स्टेनिंग टेक्निक, फुशिन एंड डाई होती है क्रोमोसोम को पढ़ने के लिए, क्योंकि देखो ये जो चीजें होती हैं ये इस तरीके से नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आपको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है और इनको कलर देके ज्यादा अच्छे से पहचानना है, डिफरेंशिएट करना है, तो आपको स्टेनिंग टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, उस पर्टिकुलर ऑर्गन को आपको कलर देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? नाउ ग्रिफिथ, ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक फॉलो किया। एक्चुअली बैक्टीरिया में भी हम लोग कॉन्जुगेशन देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, ट्रांसडक्शन देखते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर एक्सचेंजिंग, वैसे तो क्या है ये हम लोग अभी जेनेटिक्स में हर्शी एंड चेन एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, एक्सचेंजिंग जेनेटिक मटेरियल। इज इट क्लियर? अब एवरी मैक्लोइड एंड मैकार्टी, फर्स्ट क्लियर एविडेंस दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब ये एक ऐसा केमिकल है जो कि अपने अंदर जीन्स को रखता है, ठीक है, जीन्स को क्या करता है, रखता है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। लिडरबर्ग एंड जिंडर कंफर्म डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल थ्रू एक्सपेरिमेंट ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या है, आपके कॉन्जुगेशन होगा, अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें भी आप जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हो, कॉन्जुगेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसडक्शन हो गया। इज इट क्लियर? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखेंगे। वेटसन एंड क्रिक, अगेन इन पे तो इतनी बार क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रपोज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल फॉर द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। इन्होंने हाई पावर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, क्रिस्टलोग्राफी से पूरे डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल निकाला। डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल मतलब इन्होंने कहा कि दो चेन्स है और दो चेन्स क्या है, हेलिकली अरेंज्ड है। अब उनके अंदर पेंटोज शुगर भी है, नाइट्रोजिनस बेसिस भी है, ठीक है। तो फिर आए सर चरगा,
ठीक है, उनके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस भी है, पेंटोस शुगर भी है, बैकबोन भी है, इन्होंने चरगास रूल दिया। ठीक है, ये क्या है, इन्होंने कहा नाइट्रोजनस बेसिस को आप इस तरीके से पेयर करोगे, एडिनाइन पेयर होगा गुआनिन के साथ और आपका एटीजीसी और जो साइटोसिन होगा वो टायरोसिन के साथ पेयर करेगा, लेकिन ये आयरन जो आरएनए में वो क्या हो जाएंगे, बदल जाए। ठीक है, एडिनाइन हो गया, गुआनिन हो गया, गेटिंग माय पॉइंट। और इन दोनों की पेयरिंग इन दोनों के बिल्कुल बराबर होगी। तो पहले तो ये याद रखना है कि कौन सा नाइट्रोजिनस बेस किसके साथ पेयर करेगा, प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स। ठीक है, नाउ मैक्सटिशियन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंटली प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। मतलब यहां पर धीरे 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 सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, मतलब जैसे ये डीएनए है तो ये हमें एक और कॉपी बनानी है, गेटिंग माई पॉइंट। और जो हम लोग जानते हैं कि जैसे जो सेल ऑर्गेनिल्स है, जैसे प्लास्टिड्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उनके पास खुद का डीएनए होता है, तो वो एक और कॉपी बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन से सेमी ऑटोनोमस नेचर शो करते हैं। आनंदा चक्रवर्ती, इंडियन साइंटिस्ट, डेवलप जीएम स्ट्रेन ऑफ सुडो मोनास स्पीशीज फॉर क्लीनिंग डीपी ऑयल स्पिल्स, क्लेम बायोपेटेंट फॉर द सेम। ये क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा है। ठीक है, यहां पर अगर हम लोग स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करें तो स्ट्रेटेजीज में क्या है, इनविलमेंट इट इज सक्सेसफुली कून द शीप डॉली। डॉली मतलब ये कहीं ना कहीं आपकी ट्रांसजेनिक है, इज इट क्लियर। एच रिंकलर कॉइन द टर्म जीनोम, ऑल जीन्स। ठीक है, फिर थॉमस रॉड्रिक कॉइन द टर्म जीनोमिक्स, इज इट क्लियर। नाउ कैमिन एंड बाल्टीमोर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, हम लोग जब पूरा एक प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं उसमें ये प्रोसीजर्स को देखते हैं, देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, टीआरएनए आ रहा है, एमआरएनए आ रहा है। ठीक है, एली जेफरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एक्चुअली आजकल बायोटेक्नोलॉजी ने इतनी एडवांसमेंट करके, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे, इतनी ज्यादा वो एडवांसमेंट कर रही है कि अगर किसी का डीएनए पता करना है तो भी हो सकता है, या फिर क्राइम डिटेक्ट करना है तो भी हो सकता है। ठीक है, ईएम सदन, सदन से क्या हो गया, सदन ब्लॉटिंग, ये एक टेक्निक है जो कि अगेन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अप्लाई की जाती है। हेबरलैंड, हेबरलैंड ने क्या किया, आर्टिफिशियल मीडियम में आप प्लांट को कल्चर करो। ठीक है, आर्टिफिशियल मीडियम मतलब जैसे आपने प्लांट को नेचुरल रिसोर्सेज दिए, सॉइल दिया, वाटर दिया, अब उसको पूरा नहीं पड़ रहा, अब आप चाहते हो कि यार ये क्रॉप है ये साल में सिर्फ एक ही बार आती है, समर सीजन में, मैं चाहती हूँ ये साल में कभी भी आए तो मैं इसको फेवरेबल कंडीशन जब भी चाहे देकर उसे कल्टिवेट कर सकती हूँ। दिस इज द थिंग, नोबरकॉट प्लांट टिश्यू इन न्यूट्रिएंट मीडियम, इज इट क्लियर। देन स्कूग एंड मिलर, मैंने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बताया था, प्लांट ग्रोथ में, ठीक है, कि साइटोकाइनेंस का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं सेल डिवीजन कराते हैं, ये कहीं ना कहीं सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। साइटोकाइनेंस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। गुआ एंड माहेश्वरी ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन रेशो, जो कि बहुत रोल इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस पे मैंने क्वेश्चन भी करवाया था, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इज इट क्लियर। देन सैट्स प्रिपेयर्ड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का मतलब होता है वाटर एंड मिनरल्स, और ऐसे मिनरल्स जो प्लांट को ग्रोथ कराने में मदद कर रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करा रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। उसके बाद
नॉट ने कहा, देखो सैक्स ने कहा कि डेवलप टेक्निक फॉर प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोज फॉर कल्चर ऑफ पोलन एंड स्पोरोजिनस टिश्यू ऑफ एंथन। सैक्स ने कहा कि जो पोलन ग्रेन है उसको आप क्या करो, आर्टिफिशियली कल्चर करो। जैसे हम नेचुरल पॉलिनेशन से एंथर को लेते हैं और डालते हैं, आप आर्टिफिशियली इनको कल्चर करो और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे डाल दो और फ्लावर बना दो, ठीक है। नॉक ने कहा कि आप न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को पैदा करो, और कहीं ना कहीं हाइड्रोपोनिक्स का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हाइड्रोपोनिक्स मतलब सॉइल लेस कल्टिवेशन ऑफ प्लांट, ओके। मुरचागे एंड स्कूल्स ये एक्स्ट्रा है, इन्होंने भी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाया था, ठीक है। ईआर एरिक्सन प्रिपेयर्ड बीआर मीडियम गैम्बॉक B5, ये एक्स्ट्रा है, दिस इज आल्सो एक्स्ट्रा, ठीक है। मतलब मुरशिग, ईआर एरिक्सन और गैम्बॉक तीनों ने क्या किया, प्लांट टिश्यू कल्चर बनाया। प्लांट टिश्यू कल्चर प्लांट ब्रीडिंग में स्ट्रेटेजीज ऑफ फूड एनहांसमेंट में देखेंगे। वसिल एंड हेबरलैंड, ठीक है, इन्होंने टोबैको का कल्चर किया। मॉरल एंड मॉर्टी, फर्स्ट टू प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांट थ्रू माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां पर हम लोग प्लांट पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, प्लांट पार्ट्स वेजिटेटिव। मल्चर्स, फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द सोमैटिक हाइब्रिड होमैटो थ्रू प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन। यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। पोटैटो प्लस टोमैटो, पोटैटो एक अलग स्पीशीज है, टोमैटो एक अलग स्पीशीज है, अगर आप उन दोनों को ब्रीड कराओगे तो टोमैटो मिलेगा। हैंडले असेंट ऑफ सैप को हेल्प किया कि भाई सॉइल के अंदर पानी है, वो रूट हेयर्स में जाएगा, फिर रूट सेल्स में जाएगा, फिर बीच में लोकेटेड जाइलम में जाएगा, देन जाइलम में कैसे अपवर्ड पुल क्रिएट हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल, दैट इज द असेंट ऑफ सैप। स्ट्रासबर्गर पिक्रिक एसिड एक्सपेरिमेंट एज प्रूव अगेंस्ट वाइटल थ्योरीज, ये भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। स्टीफन हिल्स रूट प्रेशर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर रूट में प्रेशर नहीं बिल्डअप होगा, कोहिजन नहीं होगा, एडिशन नहीं होगा, ट्रांसपिरेशनल पुल नहीं होगा, तो पानी सिर्फ जाइलम तक आके रुक जाएगा, वो अपर जाकर ऑल अदर पार्ट को नरिश नहीं करेगा। बहम कैपिलरी फोर्स, कैपिलरी का मतलब क्या होता है, एक पतली सी ट्यूब है, ठीक है, उसमें आप पानी भर रहे हो और पानी धीरे धीरे क्या है ऊपर जा रहा है, थिन ट्यूब। उधर हमारी बॉडी में भी आर्टरीज वेंस एंड कैपिलरीज, वेरी वेरी थिन वॉल ट्यूब। उसके बाद सर जेसी बोस, अगेन थ्योरी ऑफ पल्सेशन। देन जोसेफ प्रिस्टली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फाइनली इन्होंने एक्सेप्टेड थ्योरी दी, रूट प्रेशर थ्योरी फॉर असेंट ऑफ सैप। डिक्सन एंड जॉली प्रपोज द थ्योरी ऑफ कोहिजन। वॉन मोल फोटोसिंथेटिक थ्योरी। लियॉट, हम लोग क्या कहते हैं, देखो प्रपोज द स्टार शुगर इंटरकन्वर्जन हाइपोथेसिस फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यहां पर स्टोमेटा है, ठीक है, ये आप कह सकते हो कि ये स्टोमेटा है, ये गार्ड सेल्स हैं, तो कहीं ना कहीं शुगर की एंट्री, शुगर का ट्रांसपोर्टेशन इनकी क्लोजिंग और ओपनिंग में बहुत हेल्प कराता है, ठीक है। हैंस ने क्या बोला, इंजाइम कार्बोक्सिलेस, गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा, गार्ड सेल्स, इज इट क्लियर। स्टीवर्ड प्रपोज द मॉडिफाइड स्कीम फॉर द स्टार शुगर इंटर कन्वर्जन। रॉबर्ट हिल फोटोलाइसिस ऑफ वॉटर, हिल रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फाइनली देखो रॉबर्ट हिल ने क्या कहा कि फोटोसिंथेसिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है ब्रेक डाउन ऑफ वॉटर, फोटोलाइसिस ऑफ वॉटर। अब अगर कोई भी स्टेप हो रहा है तो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उन्हें हिल रिएक्शन कहते हैं। तो रॉबर्ट हिल से हिल हो गया। और क्या बोला, कोइंजाइम एनएडीपी को मंगाया। कोइंजाइम हम लोग कब यूज करते हैं, कोइंजाइम हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई मेटल इंजाइम को एक्टिवेट करने में मदद करता है, ओवरऑल कोफैक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रोफेसर आर्नन वर्क आउट डिटेल्स ऑफ स्टेप इन फोटोकेमिकल फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है,
और एटीपी और एनएडीपीएच2 को टर्म दिया था। जैसे हमें एटीपी कहां पर यूज होता है, देखो एटीपी हर जगह यूज है, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो भले यूनिसेल्यूलर हो मल्टी सेल्यूलर हो, सबको एटीपी रिलीज भी करनी है, सबको एटीपी कंज्यूम भी करनी है। तो एटीपी और एनएडीपीएच2 का कॉन्सेप्ट फोटोसिंथेसिस में किसने दिया, प्रोफेसर आर्नन ने। ए फॉर आर्नन, ए फॉर एटीपी, इज इट क्लियर। नाउ रूबन एंड केमन provided experimental proof for water as a source of oxygen in photosynthesis of green plants. इसमें ये बोला है कि जो H2 है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का क्या बना रहा है, सोर्स बना रहा है। Then Melvin Kelvin, again Kelvin cycle, credited with the tracing of pathway of carbon. ठीक है, डार्क रिएक्शन में कहीं ना कहीं केल्विन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किसमें है, डार्क रिएक्शन में है। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला 1961 में, क्वेश्चन आता है। कोश्चक एक्स्ट्रा फर्स्ट रिपोर्टेड फॉर्मेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि चार कार्बन जैसे मेलिक एसिड हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया, ठीक है, शुगर के, तो ये एक्स्ट्रा में आ रहा है। हेच मिली कंफर्म, ये भी एक्स्ट्रा है कंफर्म। कोश्चक फाइंड, एक्स्ट्रा क्यों बता रही हूं, एक्स्ट्रा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एम्स और नीट मर्ज कर दिया है तो वहां के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। कंफर्म कोश्चक फाइंडिंग्स एंड रिपोर्टेड फॉर्मेशन ऑफ 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिड, वर्क आउट डिटेल्स ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इन C4 पार्ट। ठीक है, देन कॉलिकर माइक्रो बॉडीज इन सेल्स, माइक्रो बॉडीज मतलब वेरी स्मॉल साइज बॉडीज। ऑल्टमैन बायोप्लास्ट, इज इट क्लियर। देन बेंडा प्रपोज द टर्म माइटोकॉन्ड्रियन, पावर हाउस ऑफ द सेल। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? नाउ हॉगबूम, हॉगबूम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आर द सीट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है, सीट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। गेटिंग माई पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, उसको एनर्जी को बनाना है, एनर्जी को बनाना है तो फूड को ऑक्सीडाइज करना है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, देन ईएमपी एम्पिजन मेयर चॉफ एंड पार्नस, जो ईएमपी पाथवे है वो इन 3 साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया है, इन्होंने इन स्टेप्स को समझा और स्टेप्स को प्रॉपर सीक्वेंस में लगाया। रेस्पिरेशन का पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज को तोड़ो, हाई एनर्जी पावर मॉलिक्यूल को तोड़ो और एनर्जी फैच करो। सर हेंसेक्रैब, ठीक है, हेंसेक्रैब ने क्या बोला, दूसरा स्टेप निकाला क्रैब साइकिल का, क्रैब, ठीक है, ई एम पी। फिर रिंकलर, इन्होंने एपोमिक्सिस दिया, एपोमिक्सिस भी क्या है, आपका एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ एनी काइंड ऑफ सेक्स सेल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। एपोमिक्सिस में भले सेक्स सेल्स बन सकते हैं लेकिन उनका फ्यूजन नहीं हो सकता है। वेरिंग सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी के बारे में समझा उन्होंने, क्यों सीड डॉर्मेंसी सस्पेंड होती है, जैसे सीड पड़ा हुआ है तो सीड को जर्मिनेट करने के लिए, उसके सीड कोट को तोड़ने के लिए हमें फेवरेबल कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, देन जूलियस वॉन सेक्स फर्स्ट टू इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन फॉर्मिंग सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, चार्ल्स डार्विन। ये तो आप लोगों को मतलब इतना अच्छे से पता होगा, डार्विन सर का नाम तो हमेशा आता है। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया, कहीं ना कहीं आपको ऑक्सिन के बारे में बताया। ठीक है, अर्लियस्ट एक्सपेरिमेंट अफेक्ट ऑफ यूनिलेटरल लाइट, बॉयसन एंड जेंसन प्लांट डेवलपमेंट में अभी कुछ टाइम पहले देखा था, इन्फ्लुएंस जेनरेटेड एट द टिप ऑफ स्टेम और अ केमिकल सब्सटेंस। इन्होंने बॉयसन एंड जेंसन ने यह बताया कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मॉलिक्यूल रहता है टिप पर जो कि बेंडिंग शो करता है। इज इट क्लियर? और इन्फ्लुएंस ग्रोथ ऑफ स्टेम, जैसे लाइट आई
लाइट से इंफ्लुएंस हुआ, लाइट से इंफ्लुएंस होगा तो ग्रोथ करेगा, ठीक है। एफ डब्ल्यू वेंट फर्स्ट टू आइसोलेट ग्रोथ हॉर्मोन फ्रॉम द टिप, जो भी है इसमें से क्या करो, इसको एक्सट्रैक्ट कर लो। गार्डनर एंड एलार्ड फर्स्ट टू स्टडी द फेनोमेनन ऑफ फोटोट्रोपिज्म, फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म कहीं ना कहीं फ्लावरिंग में हेल्प करता है, मतलब शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स, तो गार्डनर एंड एलार्ड। काटलाचन, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। इन्वेस्टिगेट एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटोपीरियोडिक रिस्पॉन्सेज इन शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक है, शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे। फोटोपीरियोडिज्म का मतलब क्या होता है, फोटो मतलब लाइट और कितने टाइम पीरियड तक वो चाहिए, ठीक है, लाइट कितने टाइम पीरियड तक प्लांट को चाहिए। कहीं ना कहीं लाइट का प्लांट पे पड़ना उसकी फ्लावरिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे मतलब दिन कम चाहिए, रातें ज्यादा चाहिए, लॉन्ग डे प्लांट मतलब, शॉर्ट डे का मतलब वापस बताती हूँ, शॉर्ट डे मतलब छोटा दिन चाहिए, दिन छोटा चाहिए मतलब लाइट कम चाहिए। लॉन्ग डे का मतलब क्या होता है, लंबा दिन चाहिए मतलब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा चाहिए। लिसेंको वर्नलाइजेशन, जब प्लांट्स ग्रो नहीं कर रहे हैं फेवरेबल कंडीशन में तो उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिरा दो, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी, फटाफट वेजिटेटिव फेस को वो क्रॉस कर लेगा और जल्दी से फ्लावर आ जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसे लंबा ग्रो करेंगे तो पहले रूट आएगा, स्टेम आएगा, देन धीरे धीरे फ्लावर आते, तो वेजिटेटिव फेस ऑब्वियसली डोमिनेट द फ्लावरिंग स्टेज। चौराट, दिस इज एक्स्ट्रा, अगेन वर्नलाइजेशन। मेल्चर्स एक्स्ट्रा, नेम द हॉर्मोन प्रोड्यूस ड्यू टू कोल्ड स्टिमुलस ऑफ वर्नलाइजेशन, वर्नल मतलब जब हम प्लांट्स को कोल्ड टेम्परेचर देते हैं, हम जल्दी से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करवाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर देते हैं। उस लो टेम्परेचर में प्लांट के अंदर एक इंजाइम होता है, देखो इंजाइम्स क्या होते हैं, टेम्परेचर बेस्ड होते हैं, कुछ इंजाइम को हाई टेम्परेचर चाहिए, कुछ लो चाहिए, एक यू नो इंजाइम से प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जिसको एक फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, उस पर यह काम करता है। क्लिपर फर्स्ट टू रिपोर्ट द कोल्ड एक्सपोजर ड्यूरिंग अर्ली फेज कन्वर्ट द विंटर वेट, ये भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है। इज इट क्लियर? नाउ पहले तो थे आपके बॉटनी के इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, अब जूलॉजी में किस तरीके से साइंटिस्ट ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, चलिए। बॉडेनहिमर प्रपोज थ्री कैटेगरीज ऑफ एज ग्रुप, दिस इज एक्स्ट्रा। गुलीट डेमोग्राफी, कहीं ना कहीं हम लोग पॉपुलेशन से रिलेटेड है। गॉस एक्सपेरिमेंट ऑन पैरामीशियम टू शो द सैचुरेशन लेवल, दिस इज एक्स्ट्रा। मैथस माल्थस, इंग्लिश इकोनॉमिस्ट प्रपोज माल्थस लॉ विथ रेफरेंस टू पॉपुलेशन इंक्रीज इन ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड फूड सप्लाई इंक्रीजेस ओनली इन अरिथमेटिक प्रोजेक्शन, ठीक है। देन वर्थल्स प्रपोज एस शेप्ड ग्रोथ कर्व ऑफ, दैट इज दिस वन। स्टेनले फादर ऑफ वायरोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी, इवंस्की बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस, ही डिस्कवर्ड टीएमवी एंड इवानोस्काई ने सबसे पहले वायरस को डिस्कवर किया, और कौन सा वायरस डिस्कवर किया, टीएमवी क्वेश्चन आया है। बॉर्डन एंड डार्लिंगटन, इन्होंने कहा कि वायरसेस आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन्स, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में देखेंगे वायरस वायरॉइड्स, न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड, कौन सा न्यूक्लिक एसिड होगा, आरएनए और प्रोटीन। देन टोस्ट एंड डिरिले फर्स्ट डिस्कवर्ड बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है, वायरस इज देयर इनसाइड द बैक्टीरिया। साल्क जॉन फर्स्ट डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन,
देखो एम्स और नीट को अगर मर्ज किया है तो हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि नीट के अंदर जो जीके के क्वेश्चन है मे बी वो इस फॉर्म में पूछे जाए. पास्टर लुइस एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन फॉर कॉलेरा एंथ्रेक्स एंड रेबीज. ठीक है. डिनी डिस्कवर्ड वायरॉइड्स न्यूक्लियोप्रोटीन्स. जेनर एडवर्ड टर्म वैक्सीन ये हम लोग इम्यूनिटी में देखते हैं. कालमिटी एंड ग्यूरीन. देखो कहीं ना कहीं अगर बीसीजी का फुल फॉर्म देखे तो हम लोग बोलते हैं बीसीजी इज बेसिलर कैलमेट ग्यूरीन. ठीक है. इस पे बेस्ड क्या है वैक्सीन बना दी ट्यूबरकुलोसिस की. बेसिलस मतलब ऐसे रॉड की तरह बैक्टीरिया लंबा वाला. इंडस डेवलप वैक्सीन फॉर मीजल्स. क्लिन फिल्टर सिंड्रोम अमेरिकन फिजन XXY कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम. देखो या तो XX होता है या XY होता है ये नॉर्मल है. अगर ये हो गया तो सिंड्रोम. ये किसने डिस्कवर किया था क्लिन फिल्टर तो इनके नाम पर दे दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है. टर्नर एंड हैरी अमेरिकन एंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट. उन्होंने XO कॉम्बिनेशन देखा और कौन सी है टर्नर सिंड्रोम क्वेश्चन आता है. डाउन जॉन लेक्टन. ठीक है. इन्होंने डाउन सिंड्रोम को देखा तो साइंटिस्ट का नेम और सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आया है. कैपोस मॉरिस ऑस्ट्रियन फिजिशियन जिन्होंने कापोसी सार्कोमा को डिस्कवर किया. ठीक है. और जब भी एड्स का पेशेंट होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम वो ऑलरेडी बहुत ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी में वीकेंड है तो एड्स के पेशेंट में क्या है ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शन बहुत देखे जाते हैं. उसको कोई भी चीज आकर सेल को बहुत ज्यादा अनलिमिटेड डिवाइड कर सकती है एंड अ पेशेंट कैन सफर फ्रॉम कैंसर ऑल्सो. हॉजकिन थॉमस इन्होंने मेलिग्नेंसी को देखा और हॉजकिन डिसीज को डिस्कवर किया इंपॉर्टेंट है. ठीक है. मैकफ्रिलिन ऑस्ट्रेलियन नोबल लॉरेट ही डिस्क्राइब द बिल्ट इन ह्यूमन डिफेंस सिस्टम सच एज इम्यूनिटी एक्स्ट्रा. मैरी वॉटी. ठीक है. ऑफ इंग्लैंड ही इंजेक्टेड स्मॉल पॉक्स एक्सुडेट एक्स्ट्रा. सालमोन एंड स्मिथ मेड वैक्सीन ऑफ किल्ड बैक्टीरिया. देखो वैक्सीन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप पैथोजन को ही उठाओगे लेकिन वीक एंड एटीन्यूएटेड एंड एटीन्यूएटेड ये वैक्सीन बनाता है. देन लॉन्सन एंड ग्लैनी डेवलप टॉक्सोइडो इम्यूनाइजेशन. जैसे कोई बैक्टीरिया है उसका एक पार्ट ले लो उसको वीक करके वैक्सीन बना दो. ठीक है. बेहरिन इमिलबॉर्न फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट. बेहरिन इमिलबॉर्न डिस्कवर्ड एंटीबॉडीज विच फाइट अगेंस्ट वायरल एंड बैक्टीरियल इंफेक्शन. ठीक है. एहरलिच हमें पता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी है. ह्यूमोरल मतलब फ्लूइड से रिलेटेड ब्लड से रिलेटेड बी सेल्स की इम्यूनिटी. ठीक है. प्लाज्मा बी सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स या लैंडस्टीनर. ठीक है. मैचिंग राइट एंड लैंडस्टीनर MWL इन्होंने सेल्यूलर दी टी सेल्स वाली. लैंडस्टीनर बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. कहीं ना कहीं ब्लड ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट दिया है. ठीक है. ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप आर एच सब में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है. साहिल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हीमोग्लोबिन नेम्ड आफ्टर हिम साहिल एक्स्ट्रा. इंथोवन फर्स्ट डिस्क्राइब इलेक्ट्रोकार्डियल फीचर्स एंड असाइन PQRST टू वेरियस इंफेक्शन. ठीक है. जब आई मीन टू से डिफ्लेक्शन जैसे ये यहां पर गई ये यू चली गई है. ठीक है. फिर ये ऐसे चली गई है. ये क्या है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. इज इट क्लियर. विडाल टेस्ट कराते हैं टाइफॉइड विडाल टेस्ट विडाल के नाम पर है. इज इट क्लियर. टेकिया एक्स्ट्रा है. एरिस्टोटल का भी एक्स्ट्रा है. बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में टिकाया एंड फ्रिज ने बताया. ठीक है.
कॉल्ड अर्थ वर्म एंड इट्स इंटेस्टाइन ऑफ अर्थ. इंटेस्टाइन ऑफ अर्थ क्यों बोला? देखो ये अर्थ में क्या है, एक तरीके से फार्मर्स फ्रेंड है, ये जो भी खाएंगे उसे ले देके अर्थ को वापस दे देंगे. डार्विन चार्ल्स डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थ वर्म. बाउचे क्लासिफाइड अर्थ वर्म इंटू टू टाइप्स. ठीक है, अभी तो क्या है अर्थ वर्म नॉट सिलेबस में हो गया है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं फिर. ठीक है, क्वेश्चन नहीं देखेंगे. ड्रू चार्ल्स ब्लड बैंक पायोनियर. हिस विल्सन जूनियर जर्मन फिजियोलॉजिस्ट. एवी बंडल और बंडल ऑफ हिस इन द हार्ट इज द पाथवे बाय विच सिग्नल्स लीव एवी नॉट. मतलब कहीं ना कहीं अगर हम लोग इसको ऐसे देख रहे हैं तो ये क्या है, ये बंडल कहीं ना कहीं आपकी क्यों कर रहा है, हेल्प कर रहा है. ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर बंडल, ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं इंपल्स को पहुंचाने में मदद कर रहा है. ठीक है, इंपल्स. पुर्किंजी बहुत इंपॉर्टेंट है. पुर्किंजी रिलेटेड पुर्किंजी फाइबर्स, ये क्या करता है, ये रहे पुर्किंजी फाइबर्स. आ रही है बात समझ में स्टूडेंट्स? सेशन अच्छा लग रहा है, कुछ नया लेके आई हूं. मुझे पता है मेरे बच्चे कहीं नहीं जा रहे होंगे, इसलिए एंड तक बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. देखो पुर्किंजी फाइबर्स मतलब आपके जो फाइबर्स है वो वॉल पे जाएंगे. जब वेंट्रिकल की वॉल पे वो जाएंगे तो क्या बीटिंग होगी? यस. अब हम लोग क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का मैराथन बहुत जल्दी ले लेंगे तो जो भी परेशानियां सब दूर हो जाएंगी. अब बोमेन, बोमेन्स कैप्सूल. ठीक है, ये जैसे ही ये बोमेन्स कैप्सूल है, इसमें क्या है, ग्लोमेरुलस है. तो ये बोमेन्स, इट इज अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन, सॉरी इट इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन एक्सक्रीटरी सिस्टम. नेफ्रॉन. ठीक है, फिर क्या आता है, लूप ऑफ हेनली. लूप. ठीक है, तो हेनली ने किसको देखा, लूप ऑफ हेनली. इज इट क्लियर? वर्निकी, वर्निक्स. हम बोलते ना कि ब्रेन के अंदर हमारे पास ब्रोका स्पीच एरिया है, वर्निकी स्पीच एरिया है. ठीक है, वर्निकी में क्या होता है, वर्निकी में हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज को पकड़ते हैं. जैसे आप छोटे हो, आपके सामने जो भी आप मम्मी पापा लैंग्वेज बोल, जैसे हम लोग हिंदुस्तानी हम लोग बोल रहे हैं, 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 किसी को इंग्लिश घर में चल रही, किसी के तमिल चल रही, किसी की मराठी चल रही, आप ऑटोमेटिकली आप लैंग्वेज सीखते 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 बड़े हो जाते हैं, आपको खुद को पता नहीं चलता हमने लैंग्वेज कैसे सीखी, आपको कोई पर्टिकुलर ट्यूशन नहीं देता है. तो वर्निकी एरिया क्या करता होता है, सुनता है, समझता है और खुद इंटरप्रेट कर लेता है. तो वर्निकी एरिया. ब्रोका, अगेन ब्रोका स्पीच एरिया. जैसे हम लोगों ने किसी चीज को सुना, सुनने के बाद समझा, ऑटोमेटिकली स्पीच तैयार हो जाती है. मतलब जो लेरिंग, टंग, चिक्स और लिप्स की मसल्स है वो ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेट करती है. ठीक है, ब्रोका ब्रेन में है. ठीक है, मर्कल, इन्होंने मर्कल सेल्स को देखा एट द बेस ऑफ एपिडर्मिस फॉर टोनिक रिसेप्टर. जैसे किसी ने चिमटी खोली, टच का एहसास हो जाता है. क्यों? क्योंकि स्किन के अंदर मर्कल सेल्स हैं, उन मर्कल सेल्स में रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं. मिसिनर, मिसिनर कॉर्पसल, अगेन टेक्टाइल रिसेप्टर्स. ये कहां पर है, आपके फिंगर के टिप पर है. ठीक है, पाम पर है, आईलिड पे है, लिप पे है एंड निपल्स पे है. ठीक है, फॉर लाइट टच एंड टेक्सचर. जैसे लाइट आंखों में पड़ी चौंधिया जाते हैं. ठीक है, आपको टेक्सचर मतलब कलर्स में आप देख लेते हो, या किसी चीज को हाथ लगाओगे टेक्सचर में तो वो हार्ड है या फिर सॉफ्ट है. ठीक है, चिकनी है, ये सारी बातें हैं. तो क्रोसे, क्रोसे बल अच्छे से पता है. फकीनी, पैकिनी क्या है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है. जब बॉडी में कोई वाइब्रेशंस होते हैं या हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं तो किस तरीके से पश्चिनियन कॉर्पसल्स उसको सेंस करते हैं. उसके बाद रफीनी, रफीनी कॉर्पसल्स फॉर प्रेशर स्ट्रेचिंग एंड जॉइंट मूवमेंट. जैसे हम कोई जॉइंट मूव करते हैं टक सी आवाज आ जाती है, वो टक की आवाज किस लिए आती है, रफीनी कॉर्पसल्स से. ठीक है, देन उस्टेचियो, उस्टेचियन ट्यूब. ये ट्यूब यहां से निकलेगी और यहां तक चली जाएगी,
एयर प्रेशर को कंट्रोल करती है। जब भी आप फ्लाइट में बैठते हो आपको यहाँ पर प्रेशर फील होता है, क्योंकि यूस्टेचियन ट्यूब हमेशा ये कोशिश करती है कि बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहे, ठीक है, बाहर के एटमोस्फेरिक टेम्परेचर। अब आप फ्लाइट में बैठे हो, बहुत ऊपर से लेकर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, यहां पर प्रेसिंग होगी, ठीक है। गाइडेंस क्या मिलेगी? इंगल द सलाइवा से जो एयर अंदर जाएगी वो यूस्टेचियन ट्यूब के एयर प्रेशर को एटमोस्फेरिक एयर प्रेशर के साथ क्या कर देगी? मेंटेन कर देगी, ठीक है। स्टार्लिंग ईएच ने क्या किया? नेम हार्मोन, जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से बनते हैं, टारगेट ऑर्गन पे जाते हैं, बॉडी के पूरी चीजों को कंट्रोल करते हैं, उन्हें हार्मोन कहा। विसेलियस गेव द नाम पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड। वॉटन थॉमस गेव द नाम टाइफॉइड डिजीज है। ग्रॉस डिस्कवर्ड द हॉर्मोन T3। कैंडल डिस्कवर्ड द टर्म T4, सो इंपॉर्टेंट। हैरिंगटन पूरा T4 के बारे में पढ़ा, मतलब ग्रॉस ने T3 टर्म दिया, कैंडल ने T4 टर्म दिया। T3 T4 आर थायराइड हॉर्मोन्स, थायराइड ग्लैंड के अंदर या गले के अंदर बनते हैं। देन कॉब एंड हेरोल्ड थायरोकैल्सिटोनिन हॉर्मोन को डिस्कवर किया, और उसका केमिकल नेचर क्या है? पेप्टाइड अमीनो एसिड्स। एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। इन पे एक डिजीज भी है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के हाइपर सिक्रीशन की वजह से होती है। वो क्या होती है वो आप मुझे बताओगे अगले सेशन में, और मैं जब अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत जल्दी मैराथन लेने वाली हूं उसमें हम लोग देख लेंगे। उसमें हम लोग पहले वन शॉट वन वीडियो कर लेंगे, देन यूनिट का मैराथन ले लेंगे, ठीक है। ग्रेव्स रॉबर्ट एंड जेम्स हाइपर सिक्रीशन ऑफ टीएसएच मतलब थायराइड स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन। टीएसएच इज थायराइड स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन। कौन छोड़ेगा? पिट्यूटरी। थायराइड को बताएगा कि जो हॉर्मोन तुमने बनाए हैं उन्हें रिलीज कर दो, ठीक है, फाइन। सो फाइनली यार हमारा सेशन भी खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। कैसा लगा स्टूडेंट्स ये सेशन? सारे साइंटिस्ट के नाम में जितने भी इकट्ठे कर सकती थी ले आई हूं। अगर आपको लगता है कि आपको और साइंटिस्ट के नेम के बारे में पढ़ना है, या हम लोग रह गया है मैम कुछ हो सकता है, भाई मैं भी इंसान हूं गलती हो जाती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। स्टूडेंट्स मैं अगेन कहूंगी हर सेशन में रेगुलर रहा करो, कोई भी टॉपिक हो इजी से टफ नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक को छोड़ के मत जाओ कि उस दिन आपको रिग्रेट फील करना पड़े। मेरे साथ जुड़े रहो, अभी की अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। मेरे कोर्स पसंद आ रहे हैं तो लेने हैं नीट यूजी के कोर्सेज पर, उसमें आपको 1 ईयर एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है। 1 एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन इज बेस्ट, मैं बता रही हूं, एजुकेटर है बेस्ट है, ठीक है। बेस्ट मतलब अच्छा है, आपको सक्सेस देगा, और आपको ले देके MB10 रेफरल कोड को यूज करना है। आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लोगे तब भी 10% डिस्काउंट मिलेगा, 2 ईयर का लोगे तब भी 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो जुड़े रहना है, अगले सेशन में आऊंगी कुछ नया लेकर। सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। 1 ईयर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन मेरा कोर्स ले लो, MB10 कोड को यूज कर लो। अगली बार मिलेंगे नए सेशन के साथ। ओके स्टूडेंट्स, till then bye bye, have a nice day.